राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भक्त प्रह्लाद की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भक्त प्रह्लाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे अक्षर ज्ञान और भक्ति की ज्ञान के लिए उसके पिता ने अपने राज्य में बनी पाठशाला मर भेजा, जहाँ पर वह एक आचार्य उन्हें शिक्षा देते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकश्यप का आदेश था कि सबको हिरण्यकश्यप नाम का जाप करने का मंत्र बताया करते थे कि सबको हिरण्यकश्यप का नाम जपना है। वह हिरण्यकश्यप कहता था कि राम विष्णु का नाम नहीं जपना है या किसी अन्य देवी देवता का भी नाम नहीं जपना है। हिरण्यकश्यप खुद ही परमात्मा है, वही भगवान है, इसलिए सब उसे ही भगवान माने। अगर हिरण्यकश्यप के स्थान पर कोई उसकी प्रजा या उसके नगर में कोई राम या नाम राम राम का नाम या प्रभु का किसी और नाम को जाप करता मिल जाता तो उसे सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाता, उसे मौत की सजा दी जाती। एक दिन प्रह्लाद पाठशाला जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवा लगा रखा था। लकड़ी तथा उपलों से आवा ढका हुआ था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात को एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में, जो मटका पकाने का स्थान था, उसी में अपने बच्चे जो है उसने रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घरों में भोजन की तलाश में चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग इतनी तेज होकर जलने लगी कि जब कुछ समय बाद बिल्ली आई और अपने बच्चों को आग में जलता हुआ देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी तो कुम्हारी को समझते देर नहीं लगी और वह भी परमात्मा से प्रार्थना करने लगी और रोने लगी। हे प्रभु, हे राम, हमारे महापाप लगेगा हमको, इस बेचारी बिल्ली की रक्षा करो, इस बेचारी बिल्ली के बच्चों को बचाओ, इस बेचारी बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर वह कुम्हारन पुकार रही थी। उसी समय भक्त प्रह्लाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते देखकर वह उसके पास गया और वह जो देखा कि वह हे राम, हे विष्णु, हे भगवान, हे परमेश्वर, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो, इस बिल्ली के बच्चों को बचाओ, नहीं तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। वह कुमारन बार बार विलाप कर रही थी और भगवान के इन नामों से भगवान को पुकार रही थी। प्रह्लाद ने उस कुमारन से कहा कि माई, क्या माई राम जो हैं, आप राम को क्यों पुकार रही हो, मेरे पिता का नाम क्यों नहीं ले रही हो, नहीं तो आप राम का नाम ले रही हो, मेरे पिता आपको मार डालेगा। तब कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हम लोगों को पता नहीं था कि हमारे आवे में बिल्ली ने अपने बच्चों को रख दिया, अब मैं इसमें आग लगा दी है और यह बिल्ली अपने बच्चों के लिए बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो मैं भगवान से इनके बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकश्यप उन्हें नहीं बचा सकते, उस बिल्ली के बच्चों को सिर्फ परमात्मा ही बचा सकता है। प्रह्लाद भक्त ने कहा, माई, जब आप घड़े निकाले तो मुझे जरूर बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि थोड़ी देर में ही अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि एक महीने में आवे में रखे घड़े पकते थे। जब आवा लगाया जाता था तो उसमें एक महीने का समय लगता था घड़ा पकने में। उस दिन 2.5 दिन में ही आवा पक गया। प्रह्लाद भक्त को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे और सब घड़े पके हुए थे। यह देखकर कुम्हारी बार बार भगवान का नाम जपने लगी, परमात्मा का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर भक्त प्रह्लाद ने भी मान लिया कि जब भी भयंकर या विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है, परमात्मा ही जो उसकी रक्षा कर सकता है। मेरा पिता
किसी की विकट परिस्थिति में उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा पिता भगवान नहीं है। उस छोटे से बच्चे के मन में प्रभु के नाम की भक्ति की अलख जग गई। कुम्हारी ने भक्त प्रहलाद जी से कहा कि देखो, कुम्हारी से जब भक्त प्रहलाद ने कहा कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए हैं तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जाप करूँगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूँगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भगत राम का नाम जाप करने लगा। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र रामचंद्र जो है दशरथ जी के पुत्र थे, तब उनका भी जन्म नहीं हुआ था। जब यह सारा वाकया उस अध्यापक को पता चला जो प्रहलाद को शिक्षा देता था, तब उसने प्रहलाद को राम का जाप करते देखा तो उसने उसे बहुत समझाया कि प्रहलाद, राम का जाप मत करो, हिरण्यकश्यप राजा हैं, उसके नाम का जाप करो, वही भगवान है। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों और दुख की घड़ी में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है, परमात्मा ही जीव का कल्याण कर सकता है, जीव कल्याण भी परमात्मा से ही हो सकता है, मेरे पिता से नहीं। राजा को जनता को क्या देता है? राजा जनता को क्या देता है? उल्टा कर उनसे लेता है। जनता से परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है, तो धन धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है, प्रजा की बदमाशों से रक्षा करने के लिए राजा का परम कर्तव्य है कि वे बदमाशों से, डाकुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, उसे नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनि में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर अच्छे काम करने चाहिए। तब उस राजकुमार ने कहा, गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं तो भगवान के नाम का जाप करूँगा। तब उस गुरु ने कहा कि आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं, आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। तब उस जो शिक्षक था, अध्यापक था, गुरु था, उसने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? तब प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताजा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था तो नारद जी मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा और मानव का कर्तव्य बताया था, मुझे नाम भी जाप करने को दिया था, अब मैं वही जाप किया करूँगा। यह सुनकर उसका गुरु जो है पंडितों जो पंडित था, गुरु था, उसने जाकर राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, हम उससे कितना कहते हैं कि हिरण्यकश्यप का नाम जपो, लेकिन वह नहीं मानता है, वह तो सिर्फ राम का नाम जपता है। हम शिक्षा देते हैं तो वह उल्टा हमको ही जो है शिक्षा देने लग जाता है। हिरण्यकश्यप ने बुलाकर उससे पूछा कि तुम्हारा राम का नाम ना जपने को कहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उसे समझाया कि आज के बाद राम का नाम नहीं जपना है। तब भी प्रहलाद ने बहुत ही साफ शब्दों में अपने पिता से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता, परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात सुनकर भक्त प्रहलाद से सुनकर उसका अहंकारी पिता हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया और उसने नौकर और सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों के बीच में डाल आओ, सर्पों के डसने से यह मर जाएगा। और उसके राजा के हुक्म की तामील की गई और तुरंत ही ऐसा किया गया। परंतु प्रहलाद को जब सर्पों के बीच में डाला गया तो सर्पों ने उसे डसा नहीं, वह आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचने के लिए सर्प प्रहलाद भगत पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से अब मेरे पुत्र का शव उठा कर लाओ,
उसे सर्पों ने डस लिया होगा, वह मर गया होगा। सिपाही गए तो क्या देखते हैं, प्रहलाद तो सुरक्षित था, सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था, प्रहलाद को मारा जानकर उठाने लगे, क्योंकि वह तो सोया हुआ था। तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत पे उसे फेंकवाया गया। जिस टाइम उसे सर्पों से डसवाया गया था, उसकी आयु उस टाइम 10 साल का बच्चा था। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे ऊपर पर्वत से फेंकवा दो, लेकिन जब ऊपर से सिपाहियों ने भक्त प्रहलाद को फेंका, तो वह फूलों के ऊप जो पौधे थे उनके ऊपर जा गिरा, लेकिन वह तब भी नहीं मरा। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका को बुलाया गया। होलिका आई और अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा से उसे चिता के ऊपर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर दिया जाए तो वह जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर उसने अपना पूरा बदन ढक लिया था और प्रहलाद को उससे बाहर अपने गोदी में बैठा लिया था, यानी अपने घुटनों के ऊपर बैठा लिया था, और कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने ऐसी शीतल हवा चलाई और इतनी तेज की आंधी आई कि होलिका के शरीर से चादर उड़कर भक्त प्रहलाद को ढक दिया उस चादर ने। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आँच भी नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास भगवान पर बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे उसे इतने इतने भयंकर कष्ट दिए, लेकिन परमात्मा ने और परमात्मा की भक्ति और विश्वास ने भक्त प्रहलाद के विश्वास को और दृढ़ता से मजबूत कर दिया। भक्त के विश्वास को देखकर और उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर और उसके पतिव्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में परमात्मा ने उसकी सहायता की। हिरण्यकश्यप ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूँ ना शाम को मरूँ, दिन में मरूँ ना रात्रि में मरूँ, 12 महीने में किसी में ना मरूँ, ना अस्त्र शस्त्र से मरूँ, ना पृथ्वी पर मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना पशु से मरूँ, ना पक्षी से, ना कीट से मरूँ, ना मानव से मरूँ, ना घर में मरूँ, ना बाहर मरूँ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा जो अग्नि से गर्म करके तपा दिया था, वह अग्नि से तपकर बिल्कुल लाल हो गया। प्रहलाद को उसी खंभे के पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि देखता हूँ तेरा प्रभु इस तपते हुए खंभे से तेरी कैसे रक्षा कर देगा। हजारों की संख्या में लोग यह अत्याचार देख रहे थे। भक्त प्रहलाद पहले तो थोड़ा भयभीत हो गया कि परमात्मा इस जलते खंभे में कैसे आएगा, कैसे उसे बचाएगा। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि खंभे पर भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। वह भगवान का नाम का रटन करने लगा, परमात्मा को याद करने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट, देखो तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंभा नहीं पकड़ा तो देख, यह मेरी तलवार तेरी गर्दन काट देगी। डर के कारण प्रहलाद, क्योंकि छोटा बच्चा ही था, उसने जो परमात्मा के नाम को याद किया और खंभे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी खंभे के अंदर से नरसिंह के रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए और उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसे भयभीत कर भागने पर मजबूर कर दिया। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी, तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर आ पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, ना मैं मानव हूँ, ना मैं पशु हूँ, ना आकाश है, ना पृथ्वी है, पर ना सुबह है, ना शाम है, ना 12 महीने हैं, यह 13वां महीना है, हरियाणा की भाषा में इसे लौंद का महीना कहते हैं। ना अस्त्र ले रखा है, ना शस्त्र ले रखा है, ना घर के दरवाजे के बाहर हैं, ना दरवाजे के अंदर हैं।
मैं अब तेरा अंत, जो तूने वरदान मांगा था उसी वरदान के अनुरूप मैं तेरा अंत करूंगा। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर उसकी आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोदी में उठाया और उसे अपनी जीभ से चाटा, यानी उसे बहुत प्यार किया। अब उस नगरी का राजा भक्त प्रहलाद बना। भक्त प्रहलाद का विवाह हुआ और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बैलोचन रखा। उस बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें परमात्मा जो स्वयं भगवान विष्णु बौना रूप धारण कर, बावन का रूप धारण करके जो ब्राह्मण के रूप में आए थे और 3 कदम जमीन दान में मांगी थी। भगवान ने 1 कदम में पूरी पृथ्वी नापी और दूसरे पग में स्वर्ग, तीसरे के लिए स्थान मांगा तो राजा बलि ने कहा कि यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी पर मुख के बल लेट गया। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांग क्या मांगता है। तब बलि ने कहा था कि मैंने इंद्र के राज्य के लिए 100वां यज्ञ किया है। भगवान बोले, इस इंद्र को अपना शासन काल पूरा करने दो, फिर आपको इंद्रासन देंगे। आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए इसलिए अभी इंद्र को पद से नहीं हटा सकते। फिर भी आपने मेरे को सब कुछ दे दिया है इसलिए इसके पश्चात तेरे को इंद्रासन दिया जाएगा। तब तक तेरे को पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, वहां राज्य करो। और भगवान ने कहा कि मैंने इंद्र से उसका राज्य बनाए रखने का वचन दिया है। तब बलि राजा बलि ने कहा कि एक मेरी भी शर्त है, उसके लिए वचन दे। तब भगवान ने कहा कि बोलो बलि, तुम क्या चाहते हो। तब राजा बलि ने कहा, जब तक मैं पाताल में रहूं तो आप इसी 52 रूप में मेरे द्वार के आगे खड़े रहेंगे। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और कहा कि अब ऐसा ही होगा। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को पाताल का राज्य प्रदान किया गया। भक्त प्रहलाद जी अपने धर्म कर्म पर डटे रहे और उन्होंने बहुत से ही सत्य और अच्छे से राज्य, जहाँ की सत्य का बोलबाला था और उसका जो उन्होंने निर्माण किया, सत्य और पतिव्रता धर्म का पालन करके भक्त प्रहलाद अटल रहे। परमात्मा ने सहायता की, जब तक सूरज चांद रहेगा भक्त प्रहलाद का नाम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।